डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है, जब आपने ग्राफ बनाया टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन इन ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो इस तरीके से आपके पास ग्राफ बनेंगे जो आपको रिएक्शन से पता चलेंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। इसको आप अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो इस पॉइंट पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। किसके इक्वल होगा, ए नोड के। जो भी ये इंटरसेप्ट होगा वही ए नोड होगा। तो ग्राफ से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। अगर हमें नहीं पता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, तो आप उस रिएक्टेंट की उस पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों में ग्राफ प्लॉट करके, उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके जो वहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा वो हमें बता देगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसकी स्लोप किसके इक्वल आएगी, माइनस के के। तो स्लोप से हमें रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट पता चल जाएगा। सिमिलरली आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो इंटरसेप्ट किसके इक्वल आएगा, लॉग ऑफ ए नॉट, और स्लोप किसके इक्वल आएगी, माइनस के 2.303। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ऑर्डर के लिए ड्राइव करें तो आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा। इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगा 1/a0, क्योंकि आप यहाँ पे a की जगह 1/a ले रहे हो कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑफकोर्स ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो इंटरसेप्ट आपको 1/a0 की वैल्यू देगा और स्लोप से आपको रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। सिमिलरली अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, रेट कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो आपके पास सिंस ज़ीरो ऑर्डर जो है उसमें ग्राफ रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन में इस तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि रेट जो होता है ज़ीरो ऑर्डर में dA/dt इक्वल्स टू a^0 होता है, मतलब कि रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर में रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ग्राफ इंक्रीजिंग में बनेगा। सिमिलरली अगर आप हाफ लाइफ के ग्राफ प्लॉट करें, तो क्योंकि आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर वाला इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्राफ कॉन्स्टेंट बनेगा। सिमिलरली दैट इज़ फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो दीज आर द प्लॉट्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। ग्राफ्स को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ इससे हमें पता चलता है।